फॉग देखो, ये गांव का वेदर देखो, वेदर मतलब पूरा फुल फॉग। तो नाम की कोशी कोथे बड़ी बुनियादपुर तले बालूरघाट है। जो बताने वाला था नया एक चीज लिया है, तो ये है वो कैमरा, मैं आपको बाद में दिखा दो कैसे कैमरा से शूट कर रहा हूँ। पूरा क्रिसमस का मार्केट सिलीगुड़ी का, बहुत ज्यादा भीड़ है अभी मार्केट में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बालूरघाट। अरे यार बहुत ज़्यादा विंटर है अभी। अभी आज डेट है 23rd ऑफ दिसंबर। पता नहीं मेरा गोपो सब रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पहले वाला जो सेटअप था और अभी वाला जो सेटअप है दोनों चेंज हो चुका है। लास्ट टाइम मैं गोपो 4 यूज़ कर रहा था रिकॉर्डिंग के लिए और माइक था मेरा अलग था। अभी पूरा सेटअप मैंने चेंज कर दिया क्योंकि मेरे हेलमेट में अभी दो दो माइक लगाया मैंने, ठीक है। अरे भाई ठंडी है, अरे भाई देख रहे हो बहुत ज़्यादा फॉग है पूरा चारों तरफ। ये देख रहे हो फॉग का डेंस, देखो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना विंटर है यहाँ पे। आप लोग इसको क्रिसमस राइड भी बोल सकते हो, विंटर राइड भी बोल सकते हो। तो ये मतलब ये साल का आखिरी राइड, ये साल में और राइड नहीं होगा। अगले साल अपना बहुत बड़ा प्लान है, एक मतलब 15-20 दिन का प्लान है। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर, वो सब अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टॉप सीक्रेट है। पहले चालू हो जाएगा तो फिर ब्लॉग आ गया तो आपको पता ही चल जाएगा हाँ मैं निकल गया हूँ। तो अभी इसलिए मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक वो फेल भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। बाकी चलते हैं, ठंडी का मज़ा लेते हैं, थोड़ा सा आगे रुकते हैं, चाय वाय पीते हैं। अच्छा खासा ठंडी लग रहा है। सरसों का खेत ये दिख रहा है भाई, इधर पे तो पूरा खेती खेती है पूरा। फॉग देखो, ये गांव का वेदर देखो, वेदर मतलब पूरा फुल फॉग। ये मेरा गाड़ी, अपन जा रहे सीधा, पूरा फॉगी फॉगी है, ठंडी है अच्छा खासा ही। चाह पा जावे तो नाम की कोशी कोथे बड़ी बुनियादपुर तले बालूरघाट है। मैं जो बताने वाला था नया एक चीज़ लिया है, तो ये है वो कैमरा, मैं आपको बाद में दिखा दूँ कैसे कैमरा से शूट कर रहा हूँ। DJI का पॉकेट 2, अभी देखते हैं कैसा ये पहला ब्लॉग है DJI पॉकेट 2 से। तो ये मेरा बाइक है यहाँ पे। तेरा नाम बता। मेरा नाम कौशिक है। ये कौशिक है, रास्ते में देखा। ये तेरा पहला राइड है? ये मेरा पहला राइड है। कैसा लग रहा है? लॉन्ग टू भैया के साथ। तो ये मतलब मैं घर से निकल गया था, ये 6 बजे निकला था मैं, 6:30 बजे निकला था,
तो मेरे घर से 7-7 किलोमीटर के बाद बुनियादपुर बोल के जगह है, वहाँ पे मैंने इसको देखा था। फिर कालियागंज रायगंज की जगह बात हुआ तो पता चला कि ये भी मेरे उधर का ही है। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं सिलीगुड़ी, एक्चुअली दार्जिलिंग जाएगा और मैं कल दार्जिलिंग पहुँचने वाला हूँ। इसका यहाँ पर एमटी है, फिर उसके बाद निकलते, फिर यहाँ से ज़्यादा शूट नहीं किया मैं। बाकी इस्लामपुर के उधर टी गार्डन मिलेगा। लास्ट टाइम सिक्किम जाने के टाइम पे मैं रुका नहीं था, तो इस बार रुक के आप लोगों को फुटेज दिखाऊंगा, बहुत अच्छा जगह है। फिर वहाँ पे जाके डायरेक्टली शूट करते हैं। ओके चलो बाय। कुछ बोलना है? सो यही बोलूँगा, डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक। अरे वो तो बात नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग उधर टी गार्डन में मिलते हैं। तो हम लोग अभी इस्लामपुर के क्रॉस करके 10-20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा टी स्टेट है, तो यहाँ पे रुके थे। आप लोगों को यही इसका ही बात बोल रहा था, लास्ट टाइम यहीं पे आने का प्लान था लेकिन आ नहीं पाया। तो आया था और यहाँ पे ड्रोन शॉट लिया है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। और थोड़ा सा यहाँ पे ये पेड़ पे लगने के बाद क्रैश हो गया, यहाँ पे ये वाला ट्री पे झाड़ पे लग गया, थोड़ा सा क्रैश हो गया था। तो ठीक है, मिल गया, बट पता नहीं क्या हुआ, बाद में देखते हैं। बाकी जगह अभी ऐसा है और भाई इधर पे है, फोटोग्राफी चल रहा है इसका। और इसके बाद डायरेक्टली KTM शोरूम पे जाएंगे, वहाँ पे गाड़ी का काम करवाएंगे और कल डेस्टिनेशन पे जाएंगे। आई थिंक दार्जिलिंग जाने वाला है, तो देखते हैं कल क्या होता है। तू तो आज चला जाएगा ना दार्जिलिंग? आज मैं चला जाऊँगा, आज ये जाएगा। तो कल मेरा काम होने के बाद इसको मैं कॉल करूँगा, कहीं पर रहेगा, उसको पिकअप करके फिर अपन जाएँगे धोत्रे बोल के कुछ जगह है, तो वहाँ से प्लान है। बाकी का बता, तो अभी कुछ फिक्स नहीं है, देखते प्लान करते क्या है। तो और आप लोग बताओ, ये DJI पॉकेट 2 का कैसा लग रहा है, मतलब क्वालिटी कैसा है? अभी 4K में शूट हो रहा है और इसका आउटपुट है, अभी देखो, देख के बताओ कैसा है। तो चलो मिलते हैं और आप लोग दोस्तों एंजॉय करो, बाय। तो सब लोग अभी लंच कर रहे हैं, माँ कसम। अरे अरे इधर ही रुकना पड़ेगा। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो मैडम, हाय। बहुत वेट करने के बाद फाइनली अभी 6 बजे मेरा गाड़ी अंदर गया है और मैं मतलब 3 घंटे से यहाँ पे बैठा हूँ KTM पे। इसके बाद देखते हैं। फाइनली
बहुत शिद्दत के बाद किसी तरह हुआ है, थोड़ा बहुत काम बाकी है। वो फ्यूचर राइड में तो एक डेढ़ महीने के बाद आऊँगा मैं, फिर करवा लूँगा। अभी के लिए ठीक है, इंजन ऑयल चेंज कर लिया, पीछे का ब्रेक पैड चेंज किया। अभी कुछ दिखेगा नहीं आपको, कल दिखाता हूँ मैं पहाड़ में ले जाके। अभी रूम पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड है, पूरा दिन का जो सामान है वो सब कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी वॉपी करके फिर कल आप रे। पूरा क्रिसमस का मार्केट सिलीगुड़ी का बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी मार्केट में। कल शायद सांता क्लॉज बन के घूमना पड़ेगा। क्रिसमस का भीड़ है भाई ये सब। अंदर ठीक है ना? हाँ उधर तो है दुकान। तो ये है होटल। ये होटल पे मैं रह चुका हूँ इससे पहले, मेरा सेकंड टाइम है ये होटल पे। इसका कॉस्ट है 2500 ठीक है, बट रूम बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है। बाकी कल उतना घाई भी नहीं है सुबह निकलने के लिए, यहाँ से दार्जिलिंग 100 किलोमीटर है, आराम से हो जाएगा। तो ज़्यादा अपना लोड नहीं ले रहा हूँ, बस फिर आराम करके सोएंगे और फिर कल मिलते हैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट हाईवे पे। बाय बाय, गुड नाइट गाइस। और प्लीज़ यार ये लिखो कि अभी YouTube का वीडियो का फुटेज कैसा लग रहा है, मतलब शार्प है, नीट एंड क्लीन है, क्या है, कुछ ख़राब है? जितना हो सके मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट अभी आप लोग बताओ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, मतलब आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। जब पूरा दिन बहुत ज़्यादा हैट्रिक गया आज, एक्सट्रीम लेवल पे हैट्रिक गया है। आई होप कल थोड़ा ठीक जाएगा। बाकी गाड़ी का काम हुआ है बट फिर भी 10-20-30% काम नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों के पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं था। तो भाई साहब ने बोला नेक्स्ट जब अपना राइड है एक डेढ़ महीने के बाद, और एक बहुत बड़ा 15-20 डेज का राइड है, अभी मैं वो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो उस टाइम पे फिर आएंगे तो भाई एक दिन उसको देना पड़ेगा पूरा गाड़ी, तो एक दिन में वो पूरा गाड़ी का करेगा। तो ठीक है अभी के लिए तब करेंगे। बाकी भाई बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया आज मैं, कॉपी पेस्ट करता हूँ, खाना खाता हूँ और मस्त नींद लगाता हूँ। ओके गाइस, बाय बाय, गुड।